हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल तलकराज सिंह 10+12 में। चलते हैं बेटा, देखो कक्षा 10 का है ये, और बेटे साइंस चल रही है ये, और साइंस में भी आप जानते हो रसायन विज्ञान, और चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 में कौन सा वाला? अरे अम्ल और क्षारक और लवण, या अम्ल क्षार और लवण। देखो बेटा, ये देखो 1, 2 और 3, इन तीन चीजों का वर्णन देखेंगे आप। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण ऊष्मा और लवण, इन तीनों में अगर एक चीज याद है समझ लो तीनों की परिभाषा दे सकते हो आप। ठीक, कैसे? उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखो बेटा आप लोग जानते हो अम्ल के प्रभाव को कौन निरस्त कर देता है? क्षारक। और अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो मैं तीनों की परिभाषा एक ही उदाहरण से दे दूंगा, ठीक है ना? कैसे करेंगे? देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखो बेटा ये तीन, 1, 2 और 3, तीनों में से एक आ जाती है, और ये तो समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। देखो कैसे, बिल्कुल सिंपल परिभाषा, कोई जरूरी ना जैसे हमने लिखी है वैसे लिखो, आप अपने लफ्जों में भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार देख लो इधर क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब किसी अम्ल तथा क्षारक को मिलाया जाता है तो उनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण एवं जल का निर्माण होता है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब किसी भी अम्ल को क्षारक में मिला दो, समझ लो लवण और जल मिलेगा, प्राप्त होगा, और ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। देखो कैसे, जैसे हमने यहां दिखाया है, यहां जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की कास्टिक सोडा, जो कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ये तो अम्ल है। कास्टिक सोडा यानी कि NOH, ये क्या है? क्षार। से क्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और जल का निर्माण होता है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो यहां मैंने रिएक्शन लिख दिया बेटा, यहां जल, ये AQ का मतलब है यहां ये बिलियन बनाया जलीय है, और NOH ये भी जलीय है, और ये सॉलिड बन जाता है यानी कि ठोस NaCl जो कि एक लवण है, और ये जल प्राप्त होता है, तथा ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो एक आपको अम्ल, देखो बहुत सारे अम्लों के आपको नाम पता है और क्षारों के भी नाम पता है, बस अम्ल और क्षार दोनों की रिएक्शन दिखाओ, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि एस और एच और OH, क्योंकि अम्ल देंगे एच पॉजिटिव और क्षार देंगे OH नेगेटिव, एच पॉजिटिव और OH को एक जगह लिख के क्या बना दो? जल। और बाकी के Na, जैसे इसमें Na पॉजिटिव है Cl है, तो NaCl क्या कर दो? जोड़ दो, यानी कि आपका नमक प्राप्त हो जाएगा। और भी अन्य भी उदाहरण दे सकते हो, देखो सही है, चलो खैर देखेंगे। दूसरी करण, उदासीनीकरण ऊष्मा, तो बेटा इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा उत्पन्न हो, क्या? जब किसी अम्ल को किसी क्षारक से अवकृत कराते हैं तो प्राप्त क्या है? लवण और जल प्राप्त होते हैं, और तथा इस अभिक्रिया में उत्पन्न या उत्सर्जित ऊष्मा को ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। यही परिभाषा देंगे और यही उदाहरण दे दोगे, बस यही हो जाएगा। देखो क्या है उदासीनीकरण ऊष्मा, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, 1 ग्राम निश्चित मात्रा आई है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षारक के साथ के क्षारक के तनु विलयनों की परस्पर क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। सही है, बस बिल्कुल यहां पर एक लाइन बढ़ा देनी है आपको, 2 लफ्ज बढ़ा देने हैं, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षारक के तनु विलयनों की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती। समझ गए? बिल्कुल बेटा, देखो इधर देखो लवण, ये क्या है बेटा? लवण या साल्ट, क्या? लवण या इसको ही बोलते हैं साल्ट, और एक साल्ट से आप खूब परिचित हो,
कौन सा वाला? NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि किसका फॉर्मूला? नमक का। इसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? नमक भी कहते हैं। देखो क्या है लवण की परिभाषा, फिर से वही परिभाषा दोगे, वही दो चीज पकड़ रखी है आपने, ये अम्ल और ये क्षार। ये अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होगी। एक तो जल प्राप्त होगा, एक आपको आयनिक यौगिक प्राप्त होगा जो क्या है बेटा? लवण है। क्या है? लवण। किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं, और इस क्रिया में लवण के साथ क्या प्राप्त होता है? जल भी प्राप्त होता है। देखो ये आपका क्या है? अम्ल। और ये क्या है? क्षारक। फिर क्या बना? ये जल। ये ठोस प्राप्त हुआ, ये आयनिक ठोस है, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl। ये Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, आयनों से बना हुआ है बेटा। दो तरीके के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। जिस पे धन का चिन्ह हो वो धनायन, जिस पे ऋण का चिन्ह हो वो ऋणायन। ठीक है, तो क्या कहते हैं मित्र? लवण की परिभाषा, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को ही क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। और लवण के साथ क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक, और क्या है ये? अम्ल। और ये क्या है बेटा? वही कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा, या इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया करोगे तो ये NaN की सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होगा। ये ठोस होता, कैसा होता है? ठोस, आयनिक ठोस प्राप्त होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। कुल मिलाकर तीनों की परिभाषा आप एक ही एग्जाम्पल से दे सकते हो। ठीक, समझ में आया होगा। अब आ जाओ बेटा इसी और इसमें जो है आपके जो अकार्बनिक कंपाउंड से यौगिक हैं उनके बारे में। चार देखो, चार पढ़ाऊंगा मैं। कौन सा? एक विरंजक चूर्ण, एक बेकिंग सोडा, और एक कौन सा? बेकिंग सोडा, या इसको बोलते हैं खाना सोडा, और एक हम बताएंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या है? धावन सोडा। और क्या बताएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। बेटा इन चारों में से ही एक आ जाता है निश्चित, इसलिए बनाने की विधि, गुण और उपयोग और नाम पता होने चाहिए। देखो फिलहाल विरंजक चूर्ण की बात करेंगे। विरंजक चूर्ण का बेटा रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, या इसको बोल देते हैं जनरल भाषा में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, सामान्य नाम इसका क्या है? विरंजक चूर्ण, या इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का बेटा फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, ठीक, और इसको बनाने की विधि और फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, इसका नाम भी याद होना चाहिए, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब देखो निर्माण की विधि। दरअसल में ये ऐसे आता है, छोटे पॉइंटों में आता है कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि अर्थात समीकरण लिखो और इसका कोई एक गुण मांग लेते हैं। मैंने चार गुण लिख रखे हैं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट गुण लिखे हैं। ठीक है, चलो कैसे बनाते हैं? अरे बिल्कुल सिंपल है। देखो अगर आपको इनमें क्या करना है, आपको असली में इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या करना है? विरंजक चूर्ण का सूत्र, जैसे CaOCl2 है, CaOCl2, ठीक, क्या है इसका अणुसूत्र? नहीं लिखा था, चलो मैं लिख दे रही है बेटा। इसका जो अणुसूत्र है ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र, वो बेटा क्या है इसका? वो है रासायनिक सूत्र CaOCl2। जब आप ये याद रखोगे ना, समझ लो बनाने की विधि आप याद रख सकते हो। देखो निर्माण की विधि में क्या बताया है? विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने। अब शुष्क बुझा हुआ चूने का सूत्र आप जानते हो कौन सा? CaOOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। ठीक, तो क्या है? विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर
क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये बुझा हुआ चूना है, देखो बेटा ये COOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस है, यहां जब इसको अपकृत कराओगे तो यहां से H2O निकल जाएगा ये, और एक O रह जाएगा, और Cl2 लगा दियो आप, ये बन गया तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक, कैसे दोनों में से एक नाम याद रखेंगे, बनाने की समीकरण जरूर याद रखेंगे। इस ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, बुझे हुए चूने की क्लोरीन गैस से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, COOH का होल ट्वाइस प्लस के Cl2, तीर लगा के CaO Cl2 प्लस H2O। ठीक, अब आ जाओ रासायनिक गुण, देखो बनाने की विधि याद है तो आपको एक रासायनिक गुण इसका याद समझो, बनाने की ब्लीचिंग पाउडर की बनाने की अभिक्रिया आसानी से देख लो, ये बुझा हुआ चूना है और ये क्या है आपकी क्लोरीन गैस है, और तीर लगा कर क्या है बेटा क्या CaO Cl2 प्लस के H2। ये बनाने की समीकरण याद हो गई, अरे यही याद रखो बेटा, ये भाषा तो आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, अगर ये याद है CaOH का होल ट्वाइस प्लस के Cl2 तीर लगा के CaO Cl2 प्लस H2, बस समझ लो बनाने की विधि आपको याद हो गई। कैसे बनाएंगे, विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा किया जाता है, फिर ये अब क्रिया लिख दोगे। ठीक है, आ जाओ रासायनिक गुण, पहला याद हो गया क्या, इसका उल्टा कर दो क्या, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया जल के साथ या ब्लीचिंग पाउडर को जल में बिले करके अर्थात घोल कर गर्म करने पर उल्टा हो जाता है, यानी कि देखो ये है गर्म जल से क्रिया, इसकी एक नंबर एक कह देगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने की समीकरण, और दो रासायनिक गुण लिखो, तो एक तो आप इसको ही लिख देना, एक और मैं बताऊंगा फिर बताऊंगा, अभी देखो क्या है गर्म जल से क्रिया, तो विरंजक चूर्ण को जल में बिले कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। भाई देखो इसको उल्टा कर दो, क्या लिख लो, इसको लिख लो CaOCl2 प्लस का H2O, गर्म कर दो, बुझा हुआ चूना बना दो COOH का होल ट्वाइस और प्लस प्लस क्लोरीन गैस निकाल दो, आपने प्रवाहित कर दी, यहां से क्या हो रही है निकल रही है, समझ में आ गई होगी। नंबर दो, कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्लों से अभिक्रिया, देखो ये अच्छी रिएक्शन है, कठिन नहीं है, ध्यान रखना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों से अभिक्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से अभिक्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, जिसे प्राप्त क्लोरीन कहते हैं। बेटा ये वाला, ये देखो ये जितना भी इंपोर्टेंट है समझ लो, ये वाला है, ये प्राप्त क्लोरीन किसे कहते हैं, इस पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाल देना, ये वाला जो है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्राप्त क्लोरीन किसे कहते हैं, क्या, अरे बोलो एक बार, प्राप्त क्लोरीन किसे कहते हैं, देखो फिर से देख लो, ये पॉइंट छपने वाला है पेपर में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्राप्त क्लोरीन किसे कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर की तनु अम्ल या क्या बेटा, तनु अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन मुक्त होती है, तथा जो क्लोरीन प्राप्त होती है उस क्लोरीन को ही हम प्राप्त क्लोरीन कहते हैं। देखो फिर से देखो बेटा, अपनी दोनों आंखों का प्रयोग करके, हाँ एक का ना करना, दोनों आंखों का प्रयोग करो, देखो बेटा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से अभिक्रिया, यहां मैंने लिखा रखा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और जिसे बेटा क्या कहते हैं, प्राप्त क्लोरीन कहते हैं। देखो ये मैंने रिएक्शन दिखा दी, ये आप परिचित हो गई है, ये क्या है ब्लीचिंग पाउडर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 करोगे तो ये चीज निकाल दो, ठीक है निकाल दी मैंने, यहां पे एक ओ ये बेटा CaCO3 हो जाएगा, CA का मतलब है कैल्शियम और CO3 आप जानते हो कार्बोनेट, तो ये बेटा खड़िया का सूत्र बन गया, किसका बन गया,
खड़िया का, या इसको कहते हो संगमरमर, सही है, या बेटा क्या है चूना पत्थर है, क्या है ये तो पत्थर बन गया। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और ये निकल गई बेटा। अब देखो अगर आपने यही अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर की तनु उससे कराई होती अम्ल से, तो बेटा क्या है हमें पता है, देखो एक CA और ये निकलेगा CaSO4, यानी कि CA होता है कैल्शियम, SO4 जानते हो आप सल्फेट है, ठीक है कैल्शियम सल्फेट, और ये वाला H2 और ये वाला वो क्या बन गया H2O, फिर से क्लोरीन निकल गई, ठीक है ये मुक्त हो रही है, यही क्लोरीन हमारी क्या कहलाएगी, ये बेटा प्राप्त क्लोरीन है, क्या है प्राप्त क्लोरीन, ध्यान देना बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि जब क्या प्राप्त क्लोरीन किसे कहते हैं, तो हम उसका आंसर देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और इस क्लोरीन इस मुक्त क्लोरीन गैस को ही प्राप्त क्लोरीन कहते हैं। समझ में आई होगी बेटा, ना आए तो एक बार और देखना, वैसे तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दिया, ठीक। अब आ जाओ विरंजक क्रिया। अब देखो बेटा दो लफ्ज होते हैं रंजक और विरंजक, रंजक मीन्स होता कलर देने वाला और विरंजक मीन्स होता कलर उड़ाने वाला। अब आप लोग सोच रहे हो कलर कहां उड़ाने की जरूरत रही, अरे बेटा बहुत जगह जरूरत है, देखो कागज का निर्माण होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोगों को कागज कैसा पसंद है, देखो दो तरीके कागज आ रहे हैं, कैसे एक रफ और एक फेयर, आप पे उम्मीद करते हैं दोनों ही होंगे। अब देखो रफ और फेयर में क्या अंतर है भाई, उसका रफ का मटमीला सा अर्थात गंदा सा कलर रहता है और फेयर कैसा होता है एकदम व्हाइट कलर का, तो क्या कर रखा है बेटा उसके मटीले कलर उड़ा रखे हैं, किससे, उसमें ये भी है क्या है ये भी तो विरंजकी का कार्य करता है कलर उड़ा देता है। इसी प्रकार बेटा चीनी उद्योग में बताओ बेटा किसी को पीली चीनी पसंद आएगी ये काली चीनी ना, एकदम आप व्हाइट कलर की चकाचक वाली चीनी पसंद करोगे तो वो कैसे होगी, अरे वो विरंजन क्रिया से ही उनका जो है कलर उड़ाया जाता है, और किसी का भी कलर उड़ा दोगे फिर तो सफेद ही कलर बचेगा। चलो मेरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी वही क्रिया क्या कहलाती है, विरंजक क्रिया कहलाती है, विरंजक क्रिया। और विरंजक क्रिया किसमें है बेटा, इसमें ब्लीचिंग पाउडर में विरंजक का गुण होता है। अब कैसे होता है ये देखो बेटा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठंडे एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की या तो आप तने तनु एवं ठंडे या ठंडे एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब है HCl की अल्प मात्रा से विरंजक चूर्ण की क्रिया द्वारा हाइपोक्लोरस अम्ल, ये बेटा हाइपो और क्लोरस है, क्या है ये हाइपोक्लोरस, क्या ये है बेटा हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, और इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण विरंजक चूर्ण किसका कार्य करता है बेटा, कीटनाशक और विरंजक की भांति क्या करता है कार्य करता है। देखो फिर से देखेंगे, ठंडे एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की किससे कराओगे, ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया कराओगे, ब्लीचिंग पाउडर क्या ठंडे एवं तनु H2SO4 या HCl की अल्प मात्रा से जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया कराओगे तो बेटा क्या बनेगा हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र होता है HOCl, ये क्या है बेटा हाइपोक्लोरस अम्ल है, इसका निर्माण होता है और ये क्या हो जाता है अपघटित हो जाता है टूट जाता है, क्या हो जाता है जो क्या हो जाता है बेटा यहां बता रहे हैं जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, और यही नवजात ऑक्सीजन ब्लीचिंग पाउडर की कीटनाशक वाली प्रकृति और कौन सी विरंजक क्रिया को प्रदर्शित करता है। इस ऑक्सीजन के कारण ही
इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण विरंजक चूर्ण कीटनाशक तथा विरंजक की भांति कार्य करता है। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे, ब्लीचिंग पाउडर की जब ठंडो एवं तनु या तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब रिएक्शन कराओगे, अभिक्रिया कराओगे, तो हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl क्या होता है, निर्माण होता है और जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन, मैंने लिख रखा है वहां, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन देता है। और इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण ब्लीचिंग पाउडर किसकी तरह, कीटनाशक की तरह तथा विरंजक की तरह, ये तरह या भांति बात एक ही है कि भांति क्या करता है, कार्य करता है। अब देखो इधर बेटा, ये अल्प मात्रा में लेते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ले लिया, इसके दो अणु इधर ले लिया H2SO4 और तनु दिखा रहे हैं। देखो बेटा क्या होगा यहां पर, देखो ये CA और ये SO4, तो ये CaSO4 निकल जाएगा और CA और Cl2 निकल जाएगा, ठीक। और क्या बनेगा बेटा, यहां H के दो बचे और Cl के दो बचे, और क्या बचा, एक बेटा O का बच गए, दो अभी O के बच गए, सब दो दो बचे, H के भी दो, Cl के भी दो और O के भी दो, तो ये हो गया HOCl। इसी का नाम है हाइपो, हाइपो, और ये क्या है बेटा, क्लोरस, हाइपोक्लोरस अम्ल, ठीक है। अब ये हाइपोक्लोरस अम्ल देखो टूट गया, और टूटने के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये बन गया बेटा नवजात ऑक्सीजन, और इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण जो ब्लीचिंग पाउडर है अपनी विरंजक क्रिया और क्या है, कीटनाशक की भांति कार्य करता है। चलो आ गया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, उस यहाँ पे ये पॉइंट है, वैसे तो ये रासायनिक गुण चल लिया है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, लेकिन काफी बार ये पूछा गया है कि लिथार्ज का सूत्र क्या होता है, तो बेटा क्या होता है, PVO। देखो नाम से बिल्कुल अलग हटके है, कोई बता ना सकता लिथार्ज का क्या सूत्र है, वही बता सकता है जो कि क्या है, रसायन विज्ञान पढ़ रहा है या बेटा पढ़ा रहा है, क्योंकि लिथार्ज से कहीं तक कोई सेंस ना लग रहा कि PVO होगा, ठीक है। फिर भी चलो पहली बात तो लिथार्ज का ही सूत्र पता होना चाहिए, तो क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की लिथार्ज से अभिक्रिया, तो यहां बता रखा है ये लिथार्ज को लेड डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया आप किससे कराओगे, लिथार्ज से कराओगे, PVO से कराओगे, तो पता है ये का मतलब कौन, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर लिथार्ज को लेड डाइऑक्साइड में परिवर्तित यानी कि ऑक्सीकृत कर देता है। अब क्रिया देखो बेटा, ये अब क्रिया वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर की क्या है, लिथार्ज से अभिक्रिया की जाती है, तो लिखोगे बेटा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आप जान ही चुके होगे, CaOCl2 प्लस लिथार्ज का आप लोग देख ही रहे हो PVO, और बस बिल्कुल सिंपल रिएक्शन यार, CaCl2 निकाल दो और PV, और एक O ये है, एक O ये है, PVO2 हो गया, और लेड डाइऑक्साइड यानी कि प्लेड होता है PV और डाइऑक्साइड, और ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड जो लवण के रूप में निकल गया, सही समझ में आएगा। अब देखो बेटा ये मैंने समझाया विरंजक चूर्ण, आ जाओ बेटा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग आप वैसे ही लिख सकते हो, क्यों, एक तो क्या बता दोगे, ये क्या है बेटा, ये ऑक्सीकारक है, क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन है इस पर, और किसी के भी ये ऑक्सीजन जब प्रयोग कर दोगे तो ये ऑक्सीकारक का कार्य करेगा विरंजक के रूप में। देखो उपयोग बताने तो बिल्कुल सिंपल है, एक तो लिख दो क्या है, विरंजक चूर्ण किसका कार्य करता है, ऑक्सीकारक का, दूसरा लिख दो बेटा, दूसरा अभी इसमें ही है, कीटनाशक के रूप में, किसके रूप में, कीटनाशक के रूप में,
तीसरा क्या बता दोगे? व्यंजक के रूप में, यानी कि रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में। तो ये हो गए उपयोग, उपयोग बताने की कोई जरूरत ना है, ऐसे ही लिख दोगे, समझदार बच्चे हो। इधर देखो, अब आ जाओ बेकिंग सोडा या खाना सोडा, ये लोग आप सब लोग हम लोग इनको क्या है घर में प्रयोग करते हैं, या कभी कभार जो हो जाती है पेट की अम्लता। बेटा कभी कभार तीन चार दिन का जब इकट्ठा मार लेते हो ना आप लोग, तो क्या हो जाता है पेट में, क्या हो जाती है अम्ल हो जाता है, कह देते हैं सीने पर जलन हो रही है, अंदर खट्टी खट्टी डकार आ रही है। तो वो क्या हो रहा है, वो बेटा अंदर अम्ल बन गया, और वो आपका कैसे बना, उल्टा सीधा खाने से है, जो चार पांच दिन का के आपना जो एक साथ जो खा लिया समझ लो, वो अब अंदर क्या कर लेगा, अम्ल बना लेगा। तब ऐसी कंडीशन में देखते हैं उस अम्ल को, पेट की अम्लता को किस किस चीज से दूर करें। तो बेटा ये भी काम करेगा, उस समय आप थोड़ा पानी के साथ ले लियो इसे खाना सोडा का, और समझ लो चकाचक हो जाओगे। इधर देखो बेटा, अब बेकिंग सोडा का देखो, सबसे पहले इनके रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए, फिर बनाने की समीकरण, और दो रासायनिक गुण याद रखो, समझ लो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इधर देखो बेटा कैसे, रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट आप जानते हो CO3। अणुसूत्र देखो बेटा, इसका अणुसूत्र हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गई बेटा इसका क्या है, इसका नाम आपको रासायनिक नाम याद हो गया होगा बेकिंग सोडा का, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सूत्र बेकिंग सोडा का बिल्कुल सरल है बेटा, NaHCO3। ठीक, आ जाओ बेटा निर्माण की विधि। अब निर्माण की विधि में देखो बेटा, NaHCO3 बना रहे हो तो ऐसी चीजों से बनेगा जिसमें Na हो। चलो खैर क्या करेंगे निर्माण की विधि में बेटा, ये ना आपको भाषा याद है, समझ लो समीकरण याद है। ठीक, देखो निर्माण की विधि में क्या लिखोगे आप, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, सोडियम कार्बोनेट, अच्छा यहां बाइकार्बोनेट, यहां क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेटा एक साथ कर लेना। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, या का निर्माण होता है, कुछ भी लिख दो आप लोग इस पर ज्यादा। देखो भाई जैसे आपकी किताबों में या जैसे मैं लिखवा रहा हूं, जरूरी ना आप वैसे लिखें, आपकी मेन चीज इन्वॉल्व हो जाए आपके लफ्जों में। तो क्या है सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किससे, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, ऐसे कर दे। ये देखो कोई जरूरी ना है, अपनी तरफ से ऐसे लिख दें, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके किया जाता है, ऐसे लिख देंगे किया जाता है। कैसे, अब देखो ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है बेटा, Na2CO3 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और पहले ही बता दिया है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट ये है ना NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किससे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में, यानी कि जल बना दो H2O, और में क्या प्रवाहित की जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और उधर लगा के उधर तीर लगा करने के बाद लिख देना 2NaHCO3। ये हो गया बेटा निर्माण की विधि, आपको इतना याद होना चाहिए। अभी एक मिनट रुकेंगे फिर से देखेंगे। देखो बेटा क्या अभी कराया था, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रासायनिक गुण देखो, बनाने की विधि आप लोगों को बताई थी, ये देखो इसके रासायनिक गुण,
रसायन गुण थोड़े स्पीड से देखेंगे। क्या है बेटा, दो ही चीजें याद रखो, सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्लों से अभिक्रिया और लवणों से अभिक्रिया, ठीक है। तो यहां बताया सोडियम बाइकार्बोनेट के अम्लों से क्रिया द्वारा लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यदि इसकी किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो खाना सोडा है, इसकी आप किससे करोगे, अम्लों से अभिक्रिया करोगे, तो क्या प्राप्त होंगे, लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो किस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट की किससे कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से कर रहे हैं। तो बेटा देखो इसके दो लेने पड़ेंगे और ये Na2SO4 निकल जाएगा, ठीक। और बाकी के जब भी CO2 टूटता है तो ये चीज जरूर निकलती है, इधर CO3 का यौगिक है तो CO2 जरूर निकलेगी और ये H2O, बाकी की सब क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो देखो जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराओगे आप, अम्लों से कराओगे, लवण बनेगा, जल बनेगी और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ये है क्या है, अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बेटा, ये लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा लवणों से अभिक्रिया, तो इसमें बताया विभिन्न धातु जैसे जिंक, मैग्नीशियम, लेड, ये जिंक है बेटा Zn, ये मैग्नीशियम है Mg, ये लेड आदि के लवणों से सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। जैसे ये आपका खाना सोडा, ये जिंक सल्फेट ले लिया, जिंक का लवण ले लिया, जब इससे करोगे तो बेटा एक तो ये निकल जाएगा Na2SO4, ठीक, और Zn और किससे निकल जाएगा, CO3। तो जिंक कार्बोनेट, ये सोडियम सल्फेट, और फिर से हमने तुम्हें बताया H और OH मिलकर क्या बना लेते हैं, जल, और बेटा जब जब CO3 होगा तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड ले लोगे, ठीक। तो देखो फिर से मेरी बात सुनो एक मिनट, कैसे क्या ये किसके गुण चल रहे हैं बेटा, हमने तुम्हें बनाने की विधि पिछली वाली इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले कराया है, और यहाँ क्या दिखाए हैं आपको, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में दो ही चीजें याद रखो, क्या, एक तो अम्लों से अभिक्रिया और एक लवणों से अभिक्रिया। तो अम्लों से जब अभिक्रिया बनाएंगे कराएंगे इसकी, तो क्या बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और लवणों से अभिक्रिया कराओगे इसकी, किसके लवण से, जिंक के, मैग्नीशियम के या लेड से, तो यहां पर क्या है, उसी का जिस धातु के साथ करा रहे उसका कार्बोनेट और इसका सल्फेट निकल जाएगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा, ठीक। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, कौन सा, धावन छोड़ा। ध्यान रखेंगे दो चीजें कंप्लीट हो गई है, एक तो आपका क्या, बेकिंग पाउडर अर्थात खाना सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। अब आ जाओ यहां पर धावन सोडा, क्या है, धावन सोडा, और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, इस वीडियो से गारंटी दे रहे हूं एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, दो क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना एक निश्चित आएगा। आओ धावन सोडा पे, क्या है भाई, देखो रासायनिक नाम पता होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब है जल, तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और डेका का मतलब है 10 और हाइड्रेट का मतलब है H2O। सामान्य नाम इसका आप जानते हो, धावन सोडा, या इसको बोल देते हैं सोडा एक्स या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। अणुसूत्र यह है बेटा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। अब देखो निर्माण की विधियां, इसके निर्माण जो है एक विधि में कंप्लीट ना होता है, तीन चरणों में होता है इसका, कितने चरणों में, तीन में। देखो कैसे होता है, इधर देख लो बेटा, क्या चरण एक दो और तीन चरणों में, मैंने यहां तीसरा यही लिखा दिया, ठीक है, तीन चरण ना बताए लेकिन तीन समीकरण लिखनी पड़ेंगे। देखो निर्माण किसका, सोडियम धावन छोड़ा का, सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी कि क्या प्राप्त होता है, अरे धावन वो खाना सोडा प्राप्त होता है, क्या होता है, क्या बता रहे हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि कौन सा, नमक की, ठंडे एवं सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये आपका नमक है, ये अमोनिया गैस है NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इसका क्या ले लिया, विलयन,
क्या सोडियम क्लोराइड विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो गया? ये प्राप्त हो गया आपको खाना सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये प्राप्त हो गया अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर प्राप्त हो गया, ठीक। लेकिन इसका पृथक कर लेते हैं। क्या बताया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टर करके पृथक कर सुखा लेते हैं तथा गर्म करते हैं। बेटे कौन सा प्राप्त कर लिया? आप इसको फिल्टर करो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फिर इसको क्या कर दोगे? गर्म। जब गर्म करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? इससे जल निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या प्राप्त होगा? इसके दो अणु ले लो, Na2CO3 प्राप्त हो गया, और ये बेटा ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या हो गई? जब आपने सुखाया और गर्म करोगे तो उसमें से नमी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। इस प्रकार जो सोडा जो छार, इस प्रकार जो Na2CO3 प्राप्त हुआ, ये बेटा अजल है, यानी कि इसमें जल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? सोडा छार बोलते हैं। क्या बोला है? सोडा छार। सोडा छार एजल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, प्राप्त हो गया, जैसे जल में विलय करो। अब इसको जल में घोलो, जल में घोलने पर घोलोगे, जैसे जल में विलय किया जाता है, जिससे क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, और यहां Na2CO3, ये 10 जल के अणु जल में मिलाया तो आपको प्राप्त हो गया Na2CO3 और इनटू 10 H2O, यही क्या है आपका? धावन सोडा। धावन सोडा बनाने की जो विधि होती है, तीन स्टेपों में कंप्लीट होती है। नमक में, नमक के विलयन में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब प्रवाहित करोगे तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करोगे? इसको फिल्टर करोगे तो इससे क्या निकाल लोगे? NaHCO3 को गर्म करोगे, इसको सुखा लोगे, तो गर्म करेंगे, यहां पर गर्म करा तो इससे क्या हो जाएगा? H2O और CO2 निकल जाएगी, तो Na2CO3, ये प्राप्त हो गया आपको सोडा छार, यानी कि एजल प्राप्त हो गया, एजल सोडियम कार्बोनेट, इसमें जल नहीं है। फिर क्या करोगे? इसको जल में विलय कर दो, विलय करोगे तो आपके 10 अणु इसमें जुड़ जाएंगे और प्राप्त हो जाएगा Na2CO3 × 10 H2O। क्या प्राप्त हो गया? सोडियम ये धावन सोडा, यानी कि दो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट प्राप्त हो गया। अब देखो बेटा इसका क्या है, एक ही रासायनिक गुण बताएंगे। इसका क्या है? ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि इसको गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। इसका देखेंगे, बनाने की विधि ये हो गई, सही है, तीन चरणों में ये कंप्लीट हो गया। अब देखो रासायनिक गुण में, देखो ऊष्मा का प्रभाव, तो यदि आपको इसको शुष्क वायु में और खुला छोड़ दोगे तो इसके 9 जल के अणु निकल जाएंगे। कितने निकल जाएंगे? 9 जल के अणु, और इसको आप और अधिक फिर इसको गर्म करोगे तो वो 10वां भी जो एक अणु रह गया था जल का, वो भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये है ऊष्मा का प्रभाव। क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। तो इसमें ऐसे ही बता दें, भाषा लिख दो, समीकरण लिखी हुई है, समझ लो भाषा तो मैं बोल लिया हूं। क्या? सोडियम सोडियम जो धावन सोडा है उसको वायु में, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर 9 जल के अणु क्या हो जाते हैं? निष्कासित हो जाते हैं, और जिससे क्या प्राप्त हो जाता है? Na2CO3 × H2O प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है, ठीक है। मोनोहाइड्रेट, यानी कि एक जल का रह जाता है। कितना रह जाता है? एक। फिर क्या करोगे? उसको Na2CO3 को और गर्म कर दोगे तो वो जल का अणु निकल जाता है और आपको निर्जल, इसमें जल नहीं है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये है ऊष्मा का प्रभाव। तो धावन सोडा का इतना ही याद रखो भाई, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र अर्थात अणु सूत्र, और सामान्य नाम। बनाने की विधि तीन चरणों में प्रयुक्त हो गई, इसके तीन चरणों में प्राप्त हुआ था। और क्या है इसमें जो रासायनिक गुण में क्या कहेंगे? इसका ऊष्मा का प्रभाव। तो खुला छोड़ने पर वायु के इसके 9 अणु निकाल दिए, मैंने दिखाया ना, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर इसके 9 अणु निकल गए, और फिर इसको गर्म कर दोगे तो 10वां अणु भी निकल जाएगा, और ये निर्जल क्या है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। अब आ जा बेटा, बहुत इंपोर्टेंट, जितना भी इंपोर्टेंट है बेटा ये, क्यों? क्योंकि अगर ये याद है ना तो तुम्हें दो चीजें याद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, बस माइनर सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम
और जिप्सम से प्लास्टर और पेरिस। इसमें भी एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसे कहते हैं, क्या ये वाला। देखो मैं चलो उससे ही कर दिया बेटा, देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यहां से और ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसे कहते हैं, ठीक ये मैं बताऊंगा अभी। अब देखो आप लोगों को होना क्या है, क्या याद रखना है, देखो बेटा सूत्र याद रखना है आपको। जिप्सम का सूत्र याद कर लो, जिप्सम जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ऑफ पेरिस का देखो क्या है बेटा CaSO4 × 1/2H2O। देखो बेटा इसमें और इसमें अंतर किसका है, केवल जल के अणु का है। अरे यार CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये भी कैल्शियम सल्फेट, यहां आधा है, आधे को हेमी बोलते हैं, आधे को क्या बोलते हैं हेमी, और जल को आप जानते हो हाइड्रेट। तो यहां पे क्या है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और यहां कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट। अब देखो बेटा अगर तुम्हें इससे ये बनाना है तो निश्चित है जल के अणु निकाल लें, और जल के अणु कैसे निकालते हैं बेटा, किसी चीज को गर्म कर दो, गर्म करने पर उसका जल का अणु निकल जाएगा, और जब इससे ये प्राप्त करना है तो इसमें जल के अणु जोड़ दो। समझ गए ना, समझ गए, इन दोनों के सूत्र पता है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना सको और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरी बात याद रखना, दोनों के सूत्र याद रखने हैं मोस्टली। आपको सूत्र याद है बस पूरा तो ये सोच लो आप छाप दोगे, समझ गए, उम्मीद है बिल्कुल छापोगे, ठीक। चलो खैर क्या देखते हैं, अच्छा है बेटा ये बहुत आता है, इससे ये और इससे ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। चलो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेटा आ जाओ रासायनिक नाम, ये है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब होता आधा, एक बटे दो, आधा का मतलब समझते हो एक बटे दो। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट। अच्छा रासायन इसका सामान्य नाम तो एक ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ये जो है आपका सफेद सीमेंट होता है, क्या होता है सफेद सीमेंट। अणुसूत्र CaSO4 × 1/2, एक बटे दो का मतलब हाफ और H2O, नाम से ही पता पड़ गया था कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट CaSO4 × 1/2H2O। चलो बेटा निर्माण की विधि, अरे बिल्कुल सिंपल यार, निर्माण की विधि किससे करोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, अरे जिप्सम से करेंगे, जिप्सम को क्या करेंगे गर्म, वही कर रहे हैं हम। देखो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये क्या है बेटा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या है, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। समझ गए होगे मेरी बात, समझ रहे हो आप, जिप्सम से प्राप्त करूंगा मैं इसको, जिप्सम क्या है CaSO4 × 2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट। तो क्या बताया निर्माण की विधि, देखो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। बस कर दो बेटा, ये कर दिया मैंने, देखो यहां है CaSO4 × 2H2O और गर्म कर दो और ये बन गया CaSO4 × 1/2H2O ये वाला, और प्लस यहां 3/2H2O लिखे हैं, प्लस क्या लिखा है बेटा 3/2H2O, हो गया बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया ना, प्राप्त हो गया। अब आ जाओ बेटा, अब देखो क्या रासायनिक गुण भी याद, सूत्र याद, दोनों के सूत्र याद है बनाने की विधि, और क्या है रासायनिक गुण दोनों बना दोगे और इससे ये इससे ये, ठीक है। देखो रासायनिक गुण जल से क्रिया, तो क्या बताया इसकी जल से क्रिया कराने पर प्लास्टर जिप्सम का निर्माण होता है। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस पर मैं यदि आप जल से क्रिया करा दोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की यदि जल से अब क्रिया करा दोगे तो क्या प्राप्त होगा, जिप्सम का निर्माण होता है
इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। ये क्वेश्चन छपेगा, छपा हुआ है बहुत बार, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसे कहते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में की क्रिया जब जल से की जाती है तो जिप्सम का निर्माण होता है, और इस क्रिया को ही क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। ये क्रिया ये क्या है, ऊष्मा छेपी है। जब बेटा क्या करोगे, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाओगे सही, तो जिप्सम का निर्माण होगा, और अब क्रिया ऊष्मा छेपी होगी, ऊष्मा निकलेगी। जैसे कलई को जब कलई में पानी डालते हैं ना, थोड़ी देर बाद कलई का पानी क्या हो जाता है, चूने का पानी खोलने लगता है और उसके बाद ठंडा हो जाता है। ठीक, चलो खैर कोई बात ना। देखो क्या है, ये रहा बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमने जल मिलाया और जल मिलाने पर ही क्या बन गया, CaSO4 × 2H2O। या बेटा ये है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे भी लिख सकते हो, CaSO4 का होल ट्वाइस और फिर क्या हो जाएगा × H2O। भाई देखो CaSO4 × ½H2O था, अब मैं CaSO4 के डबल कर रहा हूं तो जल का एक हो जाएगा ना, हो जाएगा, और फिर क्या कर दूंगा, अच्छा बेटा यहां क्या कर देंगे, खाली जल बनाएंगे H2। अच्छा यहां ना तीन ही लूंगा, सही कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये बना जिप्सम, क्या बना, ये जिप्सम के दो अणु प्राप्त हो गए, क्या CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O प्लस के 3H2O और तीर लगा के क्या 2CaSO4 × 2H2O। मेरे बेटे इसको संभाल के पूरी वीडियो को आराम से बड़े इत्मीनान से कॉपी और पेन दोनों लेके बैठना है, आपको एक एक क्वेश्चन उतार लेना है, और अगर जब दिक्कत लगे पुश कर लो, पुश कर 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 आप क्या करोगे, इसे बार बार देखोगे। ठीक है, और बेटा आप लोगों का जो हमने कार्य बता रखा आप लोगों को, जितना आप अपने जैसे भाइयों को शेयर कर सको वीडियो उतनी शेयर करो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। आप लोगों ने इतनी देर वीडियो पर बने रहे उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।